बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कैमटेशिया स्टूडियो 9 का एक एरर रिमूव करना सीखेंगे। ये कैमटेशिया स्टूडियो 9 जो है अभी नया आया है, तो इसके एरर भी नया ही होगा, बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है। क्योंकि मेरे साथ भी एक दफ़ा एक एरर आया था, ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, मैंने फिर उस कैमटेशिया स्टूडियो 9 को रिमूव कर दिया था। लेकिन जाहिर सी बात है, नया आया, नया अपडेट वर्जन है, तो इसकी ज़रूरत फिर पड़ती है। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बाकी बात जो है हम लोग बाद में करेंगे। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं कैमटेशिया स्टूडियो 9 की तरफ और देखेंगे कि हम लोग ये जो ब्लैक स्क्रीन का जो एरर आता है, इसको हम लोग किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। होता ये है कि हम लोग जब वीडियो का जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ हमारी वीडियो का डिस्प्ले नहीं आता और ऑडियो आ रही होती है, तो उसको हम लोग किस तरह से सही कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा और इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फिर अगर एक दफ़ा आपने वीडियो हमारी देख ली, फिर आप दोबारा ढूंढना चाहेंगे तो आपको हम हो सकता है मैं ना मिलूँ, क्योंकि यूट्यूब एक समंदर है, दोबारा बंदे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जब स्टूडियो कैमटेशिया स्टूडियो 9 की तरफ चलते हैं, उसको ओपन करते हैं और देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही छोटी एक सिंपल एक सिर्फ एक क्लिक पे हम लोग सब काम कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे कैमटेशिया स्टूडियो 9। हमारे सामने आ गया, अब ये हम इस पर जाके न्यू एक प्रोजेक्ट लेते हैं और इसको ऑन करेंगे। अच्छा, इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, आप जब वीडियो वगैरह यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ से सिर्फ होता ये है कि मेरे पास अभी सही हो गया, इसको मैं दोबारा ख़राब नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ वैसे ही बता देता हूँ तरीका। तो उस तरीके से आप इसको करेंगे तो आप एरर सही हो जाएगा। तो एडिट में जाएंगे और फिर फाइल्स में जाएंगे आप, और यहाँ से आप जाएंगे एडवांस के अंदर, एडवांस में देगा आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे ऐसे, यूज जीपीयू फॉर वीडियो स्केलिंग एंड इफेक्ट्स। आपने इस पे से हटा कर ना, इस पहले वाले ऑप्शन से हटा कर आपने इसको करना है इसके ऊपर यूज सॉफ्टवेयर ओनली मोड, और उसको ओके कर देना है। अब आप दोबारा जब रीस्टार्ट करेंगे अपने कैमटेशिया को, तो इंशाल्लाह आपका जो एरर है ये रिमूव हो चुका होगा। आपको अभी मैं देखें अपनी ये इसको कैमटेशिया को अब करके भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे इस वीडियो पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये सही हो भी रहा है। यानी आप कहें कि इनका खुद पहला रिमूव नहीं हुआ, तो मैं आपको खुद पहले आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से हम एक वीडियो लेंगे, फाइल में जाएंगे एंड इंपोर्ट करेंगे यहाँ से मीडिया, छोटी सी एक हम लोग फाइल ले लेते हैं, फिलहाल तो अभी यही ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए, या ये ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और सीधा यहाँ पर नीचे ले आएंगे, ये देखें आपके सामने ऐसे स्क्रीन नहीं आ रही होगी। ये देखें, मैं इसको प्ले भी करता हूँ, देख लेंगे। ये देखें, ये हमारी वीडियो चल रही है। तो ये कैमटेशिया स्टूडियो 9 में पहले मेरे साथ ऐसे नहीं था, पहले सिर्फ ऑडियो चल रही थी और वीडियो हमारे सामने इसके सामने नहीं आ रही थी। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप ये जो एरर आ रहा है ब्लैक स्क्रीन का, ये आपका इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगा। और अगर कोई और मसला है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जय।